नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज उत्तरकाशी दौरा था, जहां पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र मांटू का उन्होंने निरीक्षण किया है। निरीक्षण कर पीड़ित परिवारों का हाल जाना है सीएम ने। जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी के दौरे पर थे सीएम पुष्कर सिंह धामी, और इस दौरान बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो थे उनका निरीक्षण किया है सीएम ने। मांटू का निरीक्षण किया गया सीएम द्वारा, और निरीक्षण कर पीड़ित परिवारों का भी हाल जाना गया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे, और जिस जगह पर बाढ़ आई हुई है उन सभी जगहों का निरीक्षण सीएम द्वारा किया गया। इसके साथ ही जो पीड़ित परिवार थे, पीड़ित लोग थे, उनके साथ सीएम ने मुलाकात की, उनका हाल जाना है। तो फिलहाल सीएम पुष्कर सिंह धामी का फोकस जो है वो बाढ़ग्रस्त इलाकों का है, और बारिश लगातार हो रही, बारिश से जिन इलाकों में आफत आई है, मौसम का कहर बरपा है, उन इलाकों पर सीएम का फोकस है। और आपको बता दें कि उत्तरकाशी के दौरे पर थे। बीते दिनों उत्तरकाशी में हमने देखा कि किस तरह बादल फटने से कई लोगों की जान चली गई, कई लोग लापता हुए थे। उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी के दौरे पर है, जहां पर बाढ़ग्रस्त इलाकों का उन्होंने निरीक्षण किया है। और आपको बता दें कि मांडू का निरीक्षण सीएम द्वारा किया गया है, जो पीड़ित थे उनसे मिलकर उनका हाल सीएम ने जाना। इसके साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द जो पीड़ित हैं उनको मदद पहुंचाया जाए, और इसके साथ ही आगे आने वाले समय में कैसे इस कुदरती आपदा से निपटा जाए, इसको लेकर भी प्लान तैयार किया गया। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला प्रभारी मंत्री गणेश जोशी भी इस मौके पर सीएम के साथ मौजूद थे, और उत्तरकाशी के दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। और आपको बता दें, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण सीएम द्वारा किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दौरा था, और आपको बता दें कि कई जगहों का दौरा जो सीएम का था वो रद्द कर दिया गया है मौसम को देखते हुए। वहीं आज बाढ़ग्रस्त इलाकों का मुआयना करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे थे। यहाँ पर बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण सीएम द्वारा किया गया, और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो पीड़ित थे उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, उनका हालचाल जाने। इसके साथ ही अधिकारियों को भी कई दिशा निर्देश दिए गए। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि उत्तरकाशी के दौरे पर थे सीएम, पीड़ित के साथ मुलाकात करी है उन्होंने, उनका हालचाल जाना है, क्या कुछ इस दौरान क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जनपद उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण किया। साथ ही उनके साथ जो प्रभारी मंत्री हैं उत्तरकाशी के गणेश जोशी, वो भी मौजूद थे, और जिस तरीके से जिन क्षेत्रों में आपदा आई थी उन क्षेत्रों का उन्होंने औचित निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि इस स्थान में जिन भी व्यक्तियों के घर में टूट फूट हुई है, जो भी घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको मुआवजा दिया जाए, उनको बेहतर स्थान दिया जाए, और इन लोगों की जो परेशानी है, जो दिक्कतें हैं, वो जल्द से जल्द दूर की जाए, ताकि ऐसी स्थिति में इन लोगों को सरकार सहारा दे सके। कुल मिला के कहा जा सकता है कि मुआवजे के साथ साथ जो लोग अपने घर के परिजनों को खो चुके हैं उनसे भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, उन्हें भी संवेदनाएं दी। साथ ही कुल मिला के कहा जा सकता है कि उत्तरकाशी का जो दौरा था वो आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा था, और इस क्षेत्र में जो जो अभी तक आपदा आई है, जो जो ग्रस्त हुए हैं आपदा से, उन सभी लोगों को मुआवजा देने के साथ ही एक अलग सा स्थान देने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। जी बिल्कुल सुभाष, क्या लगता है, क्योंकि सीएम लगातार सीएम का कई जगहों का दौरा था और मौसम को देखते हुए वो दौरे जो है रद्द कर दिए गए थे, क्या कई अन्य जिलों में भी सीएम इसके बाद जा सकते हैं मौका मुआयना के लिए? जी बिल्कुल, रुद्रप्रयाग जनपद और चमोली जनपद का मुख्यमंत्री का पहले ही दौरा था, जो कि बारिश के चलते रद्द कर दिया गया था। हालांकि क्योंकि उत्तरकाशी में आपदा आई थी, तो आपदाग्रस्त स्थानों पर मुआयना करना मुख्यमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण दौरा माना जा सकता, और सुबह लगभग 11:30 बजे मुख्यमंत्री राजधानी देहरादून के जीटीसी हेलीपैड से उत्तरकाशी के लिए रवाना हुए थे, जिसके बाद उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण किया, और साथ ही तमाम जो आला अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। कुल मिला के कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में मुख्यमंत्री के जो दौरे रद्द किए गए हैं उन दौरों को फिर से लगाया जा सकता है, और मुख्यमंत्री चाहे केदारनाथ धाम की बात की जाए, रुद्रप्रयाग जनपद की बात की जाए, चमोली जनपद की बात की जाए, इन जनपदों पर जाएंगे, इनके दौरे करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और आम जनमानस से भी मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश भी करेंगे। जी बिल्कुल सुभाष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो बारिश के चलते पहाड़ों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां बारिश के चलते कई जिंदगियां तबाह हो गई है, तो वहीं कई जगह पर सड़कों पर मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया। ये हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं हल्द्वानी और पौड़ी की, जहां बारिश से जल प्रलय आया हुआ है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हल्द्वानी और पौड़ी की, जहां पर लगातार हो रही बारिश के वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जल प्रलय से लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह बारिश से नदी नाले जो हैं वो उफान पर है। कई सड़कें बाधित हो रही है, पौड़ी में लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तस्वीरें आपके सामने। वही हल्द्वानी में भूस्खलन से नैनीताल जिले की 11 सड़कें बंद कर दी गई। भूस्खलन से नैनीताल जिले की 11 सड़कें बंद हो गई हैं। 3 स्टेट हाईवे और 8 लिंक रोड को बंद कर दिया गया है भूस्खलन को देखते हुए। रानीबाग पुल क्षतिग्रस्त होने से अभी भी ये पुल बंद है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हल्द्वानी से। भूस्खलन से नैनीताल जिले की 11 सड़कें जो है बंद कर दी गई है। 8 लिंक रोड के साथ साथ स्टेट हाईवे भी बंद कर दिया गया। इसके साथ ही जो रानी पुल है वो भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हो गया था, रानीबाग पुल, और जो अभी भी ये पुल बंद है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हम, जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और पुल के टूटने से आने जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो 3 स्टेट हाईवे और 8 लिंक रोड बंद कर दिए गए हैं नैनीताल के। रानीबाग पुल क्षतिग्रस्त होने से अभी भी बंद है। फिलहाल पुल को सुचारू रूप से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। भूस्खलन से नैनीताल जिले के 11 मार्ग बंद कर दिए गए हैं। इनमें से 3 स्टेट हाईवे हैं और 8 लिंक रोड है, और माना जा रहा है कि ये मुख्य मार्ग है जो बंद पड़े हैं, जिससे दोनों तरफ से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है, और ऐसे में जो यातायात है वो भी काफी ज्यादा बाधित हो रहा है। और लगातार प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो मार्ग बंद पड़े उन्हें शुरू किया जाए। इसके साथ ही हल्द्वानी में जो रानीबाग पुल टूटा हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको भी बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि रानीबाग पुल टूटने से पुल जो है बंद पड़ गया, जिससे लोग जो है पुल पार करने में असक्षम है, और जिससे लोगों के काफी काम भी रुके हुए हैं, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो भूस्खलन से नैनीताल के 11 मार्ग जो है बंद हो गए हैं और 3 स्टेट हाईवे और 8 लिंक रोड बनाए गए हैं। बड़ी जानकारी। पौड़ी में मौसम विभाग की चेतावनी, जहां पर 4 दिनों से खराब मौसम के साथ शुरू हुई बारिश। पहाड़ों पर आफत बनकर बरस रही है बारिश। पहाड़ों पर बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बड़ी जानकारी, पहाड़ों पर आफत बनकर टूट रही है बारिश। लगातार हो रही बारिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पौड़ी में मौसम विभाग की चेतावनी भी जारी कर दी गई है, और 4 दिनों से खराब मौसम के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है, लेकिन लोगों को बारिश के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पहाड़ों पर आफत बनकर टूट रही है बारिश, जहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है पहाड़ों पर, और इस बारिश से कई जिंदगियां प्रभावित हो रही है। तो उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश ने मौसम बदल दिया है। रुद्रपुर में पिछले 2 दिनों से रह रहकर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन आज सुबह से हो रही भारी बारिश ने मौसम का रुख एकदम से बदल दिया। कई जगह बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो रुद्रपुर में कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही थी, लेकिन आज सुबह से लगातार हो रही भारी बारिश से लोगों को काफी परेशान कर दिया है, क्योंकि कई जगह पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लेकिन लोगों की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है। सुबह से तड़के हो रही बारिश ने जगह जगह पानी भर गया है, सड़कों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देख रहे हैं अभी भी बारिश चालू है, और आज सुबह से ही तेज बारिश चल रही है, और बारिश
अभी भी लगातार जारी है। कई जगह पानी भर चुका है, लोगों को ऑफिस जाने में, अपनी दुकानों में जाने में दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि एक अच्छी बात ये जरूर है कि जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे लोगों को राहत जरूर मिली है। सरकार की अगर बात करें तो सरकार ने कुछ इंतजाम जरूर किए थे कि नालियों में पानी न भरे और पानी में जल भराव की स्थिति ना हो, लेकिन इस बारिश में उनके सारे इंतजाम फेल कर दिए हैं। जगह जगह पानी की स्थिति भरी हुई है और उसके ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम में जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं, जिससे इस जल भराव की स्थिति को और ज्यादा बढ़ावा मिल गया है। रुद्रपुर, चेतन बत्रा, इंडिया न्यूज। वही हल्द्वानी में पहाड़ों की बरसात से मैदानी इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। सूर्यनाला और शेरनाला भारी उफान पर है। सूर्यनाले के तेज बहाव में बाइक सवार बह गया। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बचाया गया। नदी में अचानक आए पानी में बोलेरो गाड़ी भी फंस गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह सूर्यनाला और शेरनाला भारी उफान पर है, और नाला के उफान पर आने पर एक बाइक सवार जो है बह गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद बाइक वाले को बचाया जा सका। वहीं इस दौरान एक बोलेरो गाड़ी भी जो है वो इस नदी में डूब गई। तस्वीरें देखिए आप टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि किस तरह बोलेरो गाड़ी भी बीच नदी में जो है फंस कर रह गई है और लोग कोशिश कर रहे हैं इस गाड़ी को बाहर निकालने की। तो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार हो रही बारिश से वहां पर क्या कुछ स्थिति है, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि सूर्यनाला के तेज बहाव में एक बाइक सवार भी बह गया था जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बचाया जा सका। उत्तरकाशी में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते जगह जगह तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। जिले के कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। भटवादी ब्लॉक के मांडो कंकराटी में फटे बादल से कई गांव और जिलों में मोटर मार्ग बाधित हो गया है, और वहीं कंकराटी गांव से आए सैलाब से साड़ा गांव के पास बना पुल भी बह गया है, जिससे लबगांव धनोत्री क्षेत्र के दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। साथ ही लबगांव में केदारनाथ जाने वाले मार्ग भी बंद कर दिए गए। पहाड़ों पर कहर बनकर टूट रही है बारिश, और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह बारिश से लोगों को परेशानी हो रही है। मैंने इसका निरीक्षण किया तो डाइवर्जन बनाएंगे, जो स्कीम है उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन तब तक किनारे से अप्रोच तो बनानी पड़ेगी। तो वो हम संभावनाएं क्या है सर, कब तक यातायात खुल पाएगा, क्योंकि मौसम भी बहुत खराब है? करीब हम इसको 10 दिन में सोचेंगे। पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर टूट रही है। पहाड़ों पर कई जगह बादल फटने की वजह से जानमाल का खतरा हो रहा है। वहीं बारिश की वजह से पहाड़ों पर जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं बात करें अगर निराकोट और कंकराड़ी में जल प्रलय की, तो यहां बारिश कहर बनकर टूटी है। जल प्रलय की वजह से यहाँ एक बुजुर्ग करीब 2.5 घंटे तक मलबे में फंसा रहा। पुलिस और स्थानीय की वजह से बुजुर्ग को बाहर निकाला गया। आज हरिद्वार में बीजेपी कार्यालय पर जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। भाजपा ने प्रदेश में अगले साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरा रोड मैप तैयार कर लिया, जिसके तहत पूरे प्रदेश में जिला कार्य समिति की बैठक की जा रही है। बैठक में जिला प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। हरिद्वार में भाईजी के नाम से विख्यात पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता अमरीश कुमार का मंगलवार रात को निधन हो गया। उनके निधन से उनके चाहने वालों को बहुत बड़ा झटका लगा। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हरिद्वार पहुंचे और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर इसे राजनीति पर गहरा आघात बताया। अमरीश कुमार के राजनीतिक जीवन का एक लंबा इतिहास रहा। अपने साथियों के साथ मर मिटने वाले अमरीश कुमार उत्तर प्रदेश विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। अमरीश कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रूप में चुनाव लड़े थे। उनका अंतिम संस्कार कनखल शमशान घाट पर किया गया, जहां उनकी बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेताओं ने भी उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट किया।
देहरादून में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड दौरा है। मनीष सिसोदिया कल दौरा करेंगे उत्तराखंड का, रुड़की पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड को लेकर कर सकते हैं बड़ी घोषणा, अरविंद केजरीवाल ने भी किया था देहरादून का दौरा। तो आने वाले चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी कमर कस ली है, आम आदमी पार्टी ने, और इसको लेकर मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड दौरा होगा कल। और आपको बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि रुड़की पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और कई बड़ी घोषणाएं भी मनीष सिसोदिया उत्तराखंड में कर सकते हैं। तो बड़ी जानकारी, उत्तराखंड को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। अरविंद केजरीवाल ने भी देहरादून का दौरा किया था, बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देहरादून में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड दौरा, और मनीष सिसोदिया कल दौरा करेंगे उत्तराखंड का। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, रुड़की पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मनीष सिसोदिया। बड़ी और अहम जानकारी, उत्तराखंड को लेकर कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने भी किया था देहरादून का दौरा, और ऐसे में आपको बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि कोई बड़ा ऐलान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कर सकते हैं। आज देश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। वहीं ईदगाह की नमाज सादगीपूर्ण तरीके से शहर इमाम मुफ्ती मुनाजिर हुसैन ने ईदगाह कमेटी के पदाधिकारियों से अदा की है। इस अवसर पर भारी मात्रा में नगर क्षेत्र में पुलिस बल तैनात थे। ईद की नमाज के बाद दुआएं खैर हुई, जिसमें मुल्क में आई आफत कोरोना वायरस के खात्मे को लेकर भी दुआएं की गई। चलिए इसके साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।